नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं के राजू व्लॉग। मैं दिखाता हूं कानपुर और कानपुर के बारे में मैं बताता हूं। आज मैं आया हूं अरमापुर के ये पीजी कॉलेज में, जहां देश में चारों तरफ तनाव फैला हुआ है, वहां मैं आपको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें लाया हूं। हिंदुस्तान में आजकल बिग बॉस की धूम मची हुई है। हर पीजी या डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट बहुत देखता है बिग बॉस। आज इसी की ओपिनियन जानने के लिए मैं आया हूँ ये अरमापुर के डिग्री कॉलेज। मैडम को मालूम है और मायरा जीत सकती है? मायरा नहीं, पारस नहीं, सिद्धार्थ, रश्मि, हाँ रश्मि का भी थोड़ा, मधुरिमा नहीं, विशाल नहीं, रश्मि का भी थोड़ा सा चांस है। सिद्धार्थ जाएगा और सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ, और उसके साथ साथ उसका क्या नाम, आसिम, आसिम भी अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, और तैनात तो अपनी क्यूटनेस। आपकी ओपिनियन क्या है कि कौन जाए टॉप फाइव में, कौन कौन जाए? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शुक्ला एंड मायरा शर्मा, और शुक्ला और आसिम, पारस, शहनाज, आरती। में बिग बॉस में कौन आने वाला है ये बताओ? मेरा मानना है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला और कौन? रश्मि, आरती, बस ये तीन टॉप फाइव बोला है मैंने, थ्री नहीं। मैंने तो भी देखा माहिरा आएगी। हाँ, और शायद और कंफर्म नहीं, पारस नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है, पारस भी बहुत देखते हैं। ये टॉप फाइव में कौन आने वाला है? टॉप फाइव में सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज, रश्मि, देसाई और आरती नहीं, पारस। पारस आने वाला, मायरा नहीं आएगी? मायरा नहीं आएगी क्योंकि वो पारस के उसी में चल रही है। अच्छा, सिद्धार्थ जो शहनाज का चल रहा है, क्या ये रियल है कि गेम में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं? गेम में बने रहने का शहनाज की तरफ से रियल लगता है। अच्छा अच्छा, और सिद्धार्थ का नहीं रियल लगता है वो। अच्छा, सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है? सर आसिम, आसिम खेल, आसिम और सिद्धार्थ, पारस खेल रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताइए जीतेगा कौन ये इसमें से? सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा पक्का? सारे लोगों को पहन लिए ऐसा क्या सिद्धार्थ शुक्ला में जो जीतेगा? एटीट्यूड उसका बहुत अच्छा, सारी क्वालिटी से जीतने वाली, बढ़िया गेम खेलता है, टास्क भी बढ़िया करता, और मतलब जीतेगा सिद्धार्थ शुक्ला ही, यही ओपिनियन है ना आप लोगों? ओके थैंक यू। हमारे साथ बिग बॉस के फैन जो बिग बॉस डेली देखते हैं वो खड़े हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा जरा कि सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं आप? टॉप फाइव में बिग बॉस में कौन आएगा? सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, शहनाज गिल कौर, और रश्मि देसाई, और पारस छाबड़ा। अच्छा ये बताइए सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का जो चल रहा है वो रियल है या प्ले कर रहे हैं? ये पूरा प्ले है सर, ये गेम की स्ट्रेटजी है। अच्छा स्ट्रेटजी है? यस सर। अच्छा या और किसको क्या जानते हैं आप उसके, रश्मि के बारे में क्या कहेंगे? रश्मि का इस समय कोई गेम ही नहीं है, वो आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई करवाती है और लिटरली अपनी लड़ाई को उन लोगों से लड़वा के वो ये दिखाना चाहती है कि मैं कितनी शरीफ हूँ, उसे सिंपैथी मिले, और वो बस यही गेम करना चाहती है। इस समय वो कोई गेम नहीं खेल रही। बिग बॉस में जीत कौन रहा है? सिद्धार्थ शुक्ला 50% फोटो से आगे चल रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला चल रहा है। कौन जीत रहा है? सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल। शहनाज गिल, शहनाज गिल जीत रही है। जिताना चाहते हैं हम। अच्छा जिताना चाहते हैं लेकिन जीत रही है? और कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला और जो शहनाज का चल रहा है क्या रियल है? रियल है। बाहर भी ऐसा ही होगा? बाहर का नहीं पता, रिलेशनशिप में रहेंगे दोनों? नहीं, वो तो सब शो के लिए है ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। अंदर वो शहनाज गेम के लिए रियल कर रही है सर। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ का वो रियल है, ये गेम सर, गेम लिटरली आई एम ट्राइंग टू सेइंग दैट ये पूरा गेम की स्ट्रेटजी है, आप देख लीजिएगा। अच्छा पारस और मायरा का क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं है, मायरा उल्लू है, मायरा उल्लू है, मायरा मायरा का अपना सेंस नहीं है और वो अपनी स्ट्रेटजी से नहीं खेल रही है, वो पारस पे टिकी हुई है और पारस पे टिकी हुई है, इसकी वजह से वो खेल रही है। जिस दिन पारस आउट, मायरा बोल्ड। अच्छा
और रश्मि का क्या चल रहा है? रश्मि का तो बात नहीं है, हम लोग नाचे एक चुम्मा। तो दोस्तों कैमरामैन संतोष पांडे के साथ मैं राजेश मिश्रा, कानपुर।